अभी हम कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी मंदिर का मुख्य द्वार है, उसके सामने से खड़े हैं और आज हम दासन सी शेल मार्ट इसमें जा रहे हैं। हमारे मित्र परिचित हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टारफिश, सी शेल की जितनी वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी पूरे दक्षिण भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये अपने आप देखने में ही एक म्यूज़ियम की तरह लगता है। ये देखिए कितने रंगों में ये वॉल हैंगिंग्स हैं, मिरर हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आप ऊपर भी देख सकते हैं। ये देखिए जी, ये पूरा इसको सजा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा। शिवा जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दुकान आपने बना रखी है। ये एक बार हम सबको दुकान के बारे में दिखा दें। क्या बात है जी, आप मेरे को भी देख सकते हैं इसमें। अंदर शिवाजी के मामा जी दुकान में बैठे हैं। 50 वर्ष पूर्व इन्होंने इस कार्य को आरंभ किया था। यहाँ देखिए इतनी अधिक वैरायटी है यहाँ पर। ये रॉ सी शेल है, समुद्र में इस प्रकार से मिलते हैं, बाद में इनको ऐसे साफ किया जाता है जो आप सब घरों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ रॉ से लेकर सभी प्रकार के दक्षिणमुखी शंख से लेकर सभी प्रकार के शंख यहाँ आपको मिलेंगे। मैं एक बार पूरा अवलोकन करा दूँ फिर मैं आपसे बातचीत करूँगा राजा जी से। ये देखिए, ये भारत के कुछ ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहाँ 12 महीने टूरिस्ट आता है कन्याकुमारी देवी के मंदिर करने। विवेकानंद जी इस स्थान से जुड़े हुए थे, उनकी ये तप स्थली रही है। अभी इसके बाद आज हम विवेकानंद रॉक्स में भी अंदर जाएंगे। समुद्र के अंदर विवेकानंद की मूर्ति एक खड़ी है। उससे पहले आप ये देखिए कितनी वैरायटी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। सी शेल, क्या बात है, मतलब अगर एक एक करके दिखाया जाए तो शायद पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये सारे हम दिखा रहे हैं। बहुत अद्भुत प्रकार के, छोटे से लेकर बड़े तक। देखिए पहले एक जस्ट हैव ए लुक ऑन एंटायर शॉप, कितनी वेरिएशन है। यहाँ लक्ष्मी गणेश जी भी, कितने सुंदर ये फूलों का ये बनाया गया है। प्रकृति द्वारा जो आपको दिए गए उनसे बनाए गए, जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लास्टिक को छोड़कर ये सी शेल के जो सामग्री है इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे हम पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये आपने सारा एक बार देख लिया, अब हम राजा जी के पास चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी, एक बार खड़े हो जाइए। आप हमें बताइए कि आपके पास किस किस प्रकार के यहाँ शेल हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे सस्ता कौन सा और सबसे महंगा कौन सा है, बता दें जी। बताइए। ये बजना वाला शंख है, भगवान के लिए जो पूजा के लिए बजेगा ना जी, वही शंख है, देख लो भाई जी। क्या बात है जी, ये बजना वाला है, भगवान के लिए पूजा के लिए बजना वाला है, और जो बड़ा बड़ा होता है वो कीमत ज्यादा हो जाएगा है जी जी। ये कितने का है? ये आपको 800 रुपए पड़ेगा। ये 800 रुपए में पड़ेगा, ठीक है जी। बड़ा साइज का वाला का है, ये साइज तो है 4,000-4,500 रुपीस, ऐसे भाव पड़ेगा, 4,500-4,000 रुपए में ये मिलेगी। एक नंबर क्वालिटी, अच्छे वाला माल, कच्चा वाला,
जो कच्चा है अच्छा। इसको कोई पॉलिश नहीं किया गया है, नहीं किया है असली, जो समुद्र में कैसा लेके आया वैसा रखा। एक दिखाइए जरा, कोई बड़ा सा ये देखिए, ये बाद में ऐसा उड़ जाएगा है पूरा, हाँ अपना आप निकल जाएगा है ये पूरा, ये बाद में अपना निकल जाता है, ये तो पानी की वजह से इसके ऊपर ये काई जम जाती है, स्किन है उसका। अच्छा ये उसका स्किन है, स्किन है और ये साफ साफ किए जाते हैं, पॉलिश किया है, इसी में है पत्थर में खींच के पॉलिश मार के रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए ये ओरिजिनल होता है, उसके बाद ये पॉलिश वाले आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और सबसे महंगा आपके पास कौन सा है जी? महंगा संग यही है, बड़ा वाला है, यही 4,500 रुपए में सबसे महंगा है। और भी है महंगा वाला संग है, हाँ वो हमारे पास अभी नहीं है, अच्छा खत्म हो गया है वो, ठीक है। छोटा से आता है 60,000-50,000 ऐसे शंख भी हैं। अच्छा कुछ शंख करोड़ों में है, वो कौन से शंख होते हैं? वो इसी में दक्षिणवर्ती होता है, देसी शंख में है, हाँ दायना वाला होता है, हाँ जी वो तो एक ग्राम के लिए 30,000-35,000 तक कीमत पड़ेगा, उसकी कीमत ग्राम के लिए 1 ग्राम, ग्राम के लिए दक्षिण मुखी शंख। आपके पास अभी दक्षिण मुखी शंख नहीं है कोई भी? दक्षिण मुखी है, हाँ वो तो सादा वाला है, हाँ दिखाइए एक दक्षिण मुखी, ये देखिए जी ये दक्षिण मुखी शंख है, इसकी कीमत कितनी है? इसकी 600 रुपीज़ है, ये 600 रुपये का है। आप इसको ये शंख को ये देखिए मेरे हाथ में, इन सब शंखों का हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत महत्व है, ये पवित्र माने जाते हैं, प्रत्येक पूजा में कार्य काम आते हैं। अच्छा ये जो चीज़ें बनाई गई हैं ये किस किस कीमत में है आपके पास? ये जो है आपने बनाए वाला है, हाँ जो लेडीज लोग बनाता है, हाँ शंख से बनाया है, हाँ ये शंख से बनाया है, ये यहाँ की महिलाएं बनाती हैं, तो इसकी कीमत कितनी है? 2500 रुपये पड़ेगा बड़ा साइज का, ये बड़े साइज का 2500 है और ये छोटा, हाँ छोटा साइज का 1200 रुपये है, ये 1200 रुपये में है। और ये जो हैंगिंग्स हैं ये जो आप देख रहे हैं ये एक डजन का 1200 रुपये है इसकी कीमत है। इसी प्रकार से यहाँ बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। हम आपसे भी पूछते हैं इनकी ये मिरर की कितनी कीमत है जी? मिरर का 200 से लेकर किस रेंज तक के हैं यहाँ? पूरा 200 लाइन कोई भी लेने का 200 रुपये होलसेल रेट, ये सभी होलसेल में यहाँ 200 रुपये में आपको मिल जाएंगे बहुत बड़ी संख्या में और बहुत सुंदर बनाए हुए हैं। और ये जो हैंगिंग्स हैं ऊपर, हैंगिंग्स आपका 250-300 ऐसे शुरू करता है, 200 से रुपये लेकर ये 2500 रुपये तक के ये सब है। ये कलर किए हुए शंख हैं क्या सब? ये कलर किया वाला, ये कलर किया था, ये नेचुरल नहीं, तो वाइट ही शंख होते हैं सारे, तो वाइट बहुत सुंदर। आप यहाँ आइए, मैं अपने नीचे आपको यहाँ का एड्रेस फोन नंबर दे दूंगा, ऑनलाइन भी अगर कोई मंगाना चाहे, ऑनलाइन में मंगाएगा तो आप कितना दूर भी भेजेगा तो वो भेज देगा इंडिया के अंदर से, वो यहाँ से भेज देंगे। आप मुझे एक बार फोन नंबर और अपना ईमेल बताइए, फोन नंबर क्या है? मेरा फोन नंबर 7418829347 शिवा कन्याकुमारी, और मेरा YouTube चैनल है दास एंड सीशेल मार्ट, आप क्या क्या शंख चाहिए थे उसका करीबर में सब उसमें डाला था। अच्छा। आप देखे चेक करने का, ठीक है बात? मुझे आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा, वो भी मैं अपने YouTube चैनल में उसको डाल दूंगा, जिससे लोग आपको संपर्क करें और शिवाजी के साथ